नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिड डे मील के नाम को अब बदल दिया गया है। बता दें कि ये नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अगले 5 साल तक के लिए ये योजना जो है इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बच्चों को अब स्कूल में सिर्फ मिड डे मील ही नहीं बल्कि सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। खास बात ये है कि इस बार जो है खाने में पौष्टिक खाने जो है उसे शामिल किया जाएगा ताकि कुपोषित बच्चों को जो है उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस तरह के फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की ये बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि मिड डे मील के नाम को बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा जाएगा। बता दें कि ये नाम अगले 5 सालों तक के लिए तय किया गया है। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए पहले से चल रही मिड डे मील योजना में बदलाव करते हुए इसे प्रधानमंत्री पोषण के रूप में अगले 5 सालों के लिए क्रियान्वित करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगले 5 सालों के दौरान पीएम पोषण योजना पर 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो बता दें कि पोषण योजना के तहत बच्चों को अब स्कूल में पौष्टिक खाने दिए जाएंगे ताकि उनके स्वास्थ्य पर जो है उसका सीधा लाभ हो। बता दें कि कई ऐसे जो है बच्चे हैं जो इस वक्त कुपोषित के शिकार है और इसी को लेकर ये योजना जो है प्रधानमंत्री की तरफ से बनाई गई है। बता दें कि इसका सीधा फायदा बिहार के स्कूलों में भी होगा क्योंकि अब स्कूल में बच्चों को सिर्फ दोपहर का ही खाना नहीं बल्कि सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। यानी कि करीब जो है 1.5 करोड़ बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिनको इनका सीधा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको हम बताएं कि केंद्र सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सभी बच्चों के जो है वो रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जाएंगे और हर महीने उनकी जो है स्वास्थ्य की जो है वो टेस्ट करवाई जाएगी, जांच करवाई जाएगी ताकि उनके हेल्थ पर इसका जो है लाभ दिख रहा है या नहीं। और इसके लिए बाकायदा जो है वो रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो है लगातार हर महीने ये रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी ताकि बच्चों को इससे लाभ हो रहा है या नहीं ये इसमें देखा जाएगा। तो बता दें कि अब मिड डे मील के जो है नाम को अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है और जो बैठक में फैसला लिया गया है उसमें बताया गया है कि इसमें करीब 1.31 लाख करोड़ रुपए के जो है वो खर्च आएंगे। ऐसे में बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सीएम से संपर्क भी किया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि अब सभी स्कूलों में राज्य सरकार ये तय करे कि बच्चों को सही से खाना मिल सके। बता दें कि सरकार ने अपने उस फैसले में इस बात की भी जो है जिक्र की है कि सिर्फ स्कूल में ही खाने नहीं मिलेंगे बल्कि जो है महिलाओं की जो है एक टीम बनाई जाएगी और वही टीम जो है सरकारी स्कूल में जो है खाना बनाने का काम करेगी। यानी कि अब केंद्र सरकार पूरी तरह से जो है वो अब बच्चों के सेहत को लेकर सचेत नजर आ रही है और यही वजह है कि ये फैसला जो है अगले 5 साल तक के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है जिसमें मिड डे मील के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बकायदा दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों को कहा है। खासकर सीएम नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार से भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और कहा गया है कि स्कूलों में जो है पूरी व्यवस्था की जाए ताकि कुपोषित बच्चे जो है वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो सके। फिलहाल के लिए ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।